असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी जब भी जाती है बीजेपी से इनविटेशन लेकर कर्नाटका में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे उनके इनविटेशन पर आई है, इस बात की हम मजामत करते हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस सिलसिले में हमने रिजवान अरशद साहब को एक लीगल नोटिस भेजा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब भी अगर आपके अंदर दम है तो आपकी ताकत बताइए, आपके काम करके दिखाइए, क्या काम किया आपने बताइए। ओवैसी साहब जहां भी जाते हैं बीजेपी के इनविटेशन पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एमएलए शिवाजी नगर से रिजवान अरशद साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान चिकबल्लापुर में एक बहुत ही गैर जिम्मेदारा स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी जब भी जाती है, और आज जो वो बीजेपी से इन्विटेशन लेकर कर्नाटका में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे उनके इन्विटेशन पर आई है। ओवैसी साहब जहां भी जाते हैं बीजेपी के इन्विटेशन पे जाते हैं, तो यहां पे भी आए हैं, आकर जाए जमहूरियत है, चाहे अगर वो बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं तो उनका वेलकम है, करने दीजिए। इस बात की हम मजामत करते हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस सिलसिले में हमने रिजवान अरशद साहब को एक लीगल नोटिस भेजा है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉपी आपके साथ शेयर करी जाएगी। और रिजवान अरशद साहब से हमने कुछ सवालात किए हैं जिनका हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमारे रिजवान अरशद साहब से सीधे सीधे सवाल हैं कि रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के इन्विटेशन पे सदर साहब या हमारी पार्टी MIM कर्नाटका में आई, तो वो हमें वो इन्विटेशन दिखा दें जिस इन्विटेशन की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इन्विटेशन नहीं दिखा सकते तो वो हमें ये बता दें कि आखिर किस लीडर के, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसके कहने पर उन्होंने ये झूठी बात फैलाई और ये अफवाह फैलाई कि हमारी पार्टी उनके इन्विटेशन पर आई है। ऐसी बातें हम कांग्रेस के MLAs और उनके कॉरपोरेटर और उनके लीडर से सुनते आए हैं जो MIM की बढ़ती ताकत से डरते हैं। और इस बार सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हम इसको ऐसे हवा में उड़ने नहीं देंगे। वो आकर या तो हमें साबित करें कि इन्विटेशन कार्ड उनके पास है और वो जनता के बीच में इन्विटेशन कार्ड लेकर आएं। अगर वो दिखा देते हैं तो हमें जूते का माला पहना दें और गधे पे घुमा दें। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो वहीं पर जहां पर पब्लिक के बीच में उन्होंने बात करी आकर वो माफी मांगे। तो ये पहली चीज थी जो हम आपको बताना चाहते थे। दूसरी बात, रिजवान अरशद साहब पढ़े लिखे MLA हैं, बाइज्जत हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो शिवाजी नगर पर ध्यान दें। आज शिवाजी नगर में चौक की हालत आप देख सकते हैं क्या है, जमाने से वहां पे रोड बन रहा है। वो आकर जवाब दें आखिर वो रोड कब तक बनेगा, बरसात आ चुकी है, चलने की जगह नहीं है चौक पर, जो हमारे तिजारत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्या उनको उसकी फिक्र नहीं है? आज शिवाजी नगर के अंदर जगह जगह पर कचरा है। रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि क्या वो कचरा उठाने के लिए उन्होंने शिवाजी नगर के जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको कूड़ा वाला बना दिया है? जहां तक हमें समझ में आ रहा है, क्या वो कचरा उठाने के लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में वो आके बताएं। शिवाजी नगर में उर्दू स्कूल का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है? उनको उसके लिए वहां पर चुना गया था, उनको इसलिए नहीं चुना गया था कि वो जाकर किसी के कहने पर झूठी बातें करें। हम रिजवान अरशद साहब से बाइज्जत ये गुजारिश कर रहे हैं, जगह वो बता दें, टाइम वो बता दें और वो आकर बहस कर लें आखिर उन्होंने शिवाजी नगर की आवाम के लिए क्या किया, आखिर उन्होंने कर्नाटका में रहकर जिस चीज़ के लिए उनको चुना गया था उसके लिए क्या किया। और अगर वो चाहें तो चौक पर आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकते तो उसका जवाब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। हम अपने काम गिनवा देंगे जो हमने हैदराबाद से लेके बिहार से लेके हर जगह किया। हम तो कहीं पावर में नहीं हैं, हम तो कहीं सरकार में नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तरफ से हैदराबाद में 9 स्कूल चलाए जाते हैं, बिहार में हम वहाँ पे स्कूल तामील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर हमारा साथ दिया आवाम ने, हम भले ही पावर में ना रहें, गले से निकाल के जो वक्फ के पैसे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम स्कूल बना के दिखाएंगे, उनकी तरह इंशाल्लाह हम चोरी नहीं करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये फैसला लिया है मुत्तफिका तौर पर। इसके बाद आइंदा जो भी आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में अगर कोई कहे तो सोच समझ कर कहे,
कि ऐसा नहीं कि जो भी आया कह दिया, अब आइंदा कोई हमारे सदर को अगर कहना है सोच समझ के कहिएगा। ये आज पूरी हिंदुस्तान की आवाम मान रही है कि वो हमारे कायद हैं, और मानना भी पड़ेगा क्योंकि 70 साल से कांग्रेसियों ने ऐसा कायद पैदा नहीं किया जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये जो बच्चे अभी जो बोल रहे हैं हमारे सदर को, इनको जो है सिर्फ नाम कमाने के लिए इनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके आपको दम है, आपको ताकत है, तो अपने अपनी ताकत से आपका नाम बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? हमारे सदर का नाम लेकर के आप रोशन होना चाह रहे हो? ये कब तक करेंगे? कांग्रेस हमेशा यही करते आइए, अपना कुछ करके दिखाइए। आपने क्या किया वो बताइए, आपके आपके हलके में क्या मुद्दे हैं वो बताइए। ये कब तक आप जो है MIM को लेकर के आप आवाम के बीच में नाम कमाते रहेंगे? दम है, ताकत है, इसलिए हम बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में डट के बात कर रहे हैं। आप भी अगर आपके अंदर दम है तो आपकी ताकत बताइए, आपके काम करके दिखाइए। क्या काम किया आपने बताइए, पहले खुद को आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको आवाम के सामने ला के रखिए। कोई कांग्रेसी ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। एक हर चीज़ की एक हद होती है, इन्होंने हद को पार कर दिया है। इसके लिए हम ज़रूर एक्शन लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होती है इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आज हम एक लीगल नोटिस लेके बैठे हैं। ये है, ये लीगल नोटिस हमने दिया है शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद साहब को, जो एक पब्लिक मीटिंग में दोडवालापुर में जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस की कैंपेनिंग हो रही थी लोकल बॉडी इलेक्शंस के, उसमें उन्होंने एक एलिगेशन लगाया हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के अंदर इलेक्शन लड़ने BJP के इन्विटेशन पे आई है, जो सरासर गलत और एक संगीन इल्ज़ाम है। और हम चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं रिजवान अरशद साहब से कि वो आके पब्लिकली आके असदुद्दीन ओवैसी साहब से पब्लिकली, जिस पब्लिक में उन्होंने कहा था वहीं पर आकर उनसे माफ़ी मांगे।